के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रदर्शन के विषयों के साथ कॉलेज प्रशासन द्वारा कोरोना काल में कॉलेजों में उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया था। कोरोना और डेंगू के अलावा अन्य बीमारियों की ट्रेनिंग ले रहे छात्रों से पढ़ाई के नाम पर दिन रात काम कराया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों को काम के बदले कोई मानदेय नहीं दिया जाता। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के सैकड़ों छात्रों को तब तक प्रदर्शन और इंटर्नशिप करने की आवश्यकता होती है जब तक कि उनकी डिग्री महत्वपूर्ण न हो। इसलिए छात्रावास में भर्ती होने वाले इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए शहर से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इससे पूर्व छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्रों को काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण रूप से मान्य मेडिकल पैरामेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास जुलाई माह में प्रारंभ किए जाने के संबंध में आयोग को सूचित किया गया था, लेकिन माननीय आयुक्त ने जाति के आधार पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इससे पहले मानवाधिकार संरक्षण मंच और कई छात्रों ने पिछले अप्रैल से माननीय आयुक्त और उपायुक्तों को कई व्यक्तिगत बयान दिए थे, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। स्वाधार योजना अंतर्गत पिछले 1.5 वर्ष से किराए पर रह रहे छात्रावास के छात्र छात्राओं के हित में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले छात्रावासों को तत्काल प्रारंभ करना धनंजय मुंडे सामाजिक न्याय और विशेष सहायता मंत्री और माननीय आयुक्त का संयुक्त वक्तव्य। इस अवसर पर भांति अभय नायक मानव अधिकार संरक्षण मंच के आशीष फुलजली, मंच के राजीव खोबरागड़े, समता सैनिक दल के निखिलेश मेश्राम, नागसेन बैज, रिपब्लिक फ्रंट के संजय पाटिल, बहुजन समाज पार्टी की वर्षा वाघमारे, IWF की सुषमा कलामकर, रीता बागड़े समेत सैकड़ों छात्र मौजूद थे। सर, मी मनीष नगर वसतिगृहाचा विद्यार्थी आहे। आज आम्ही वसतिगृह चालू करणे याबाबत ऍप्लिकेशन द्यायला आलो आणि यापूर्वी सुद्धा आम्ही खूप मागणी केल्या। सर, 1.5 वर्ष झाले आमचे कोरोना सांगून वसतिगृह बंद करण्यात आले। 1.5 वर्षाचा कालावधी होऊन आम्हाला आजपर्यंत शासनाकडून कसलाही निधी ना देण्यात आला ना वसतिगृह ओपन करण्याची त्यांच्याकडून काही आम्हाला परवानगी नाही आली। सर, आज मी लास्ट इयर इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी आहे। मला प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इतर कोर्सेस करावे लागतात, त्या अन्यथा माझी एकदम म्हणजे मी डिस्ट्रॉय आहे। सर, लाईफ, इंजिनिअरिंगची लाईफ डिस्ट्रॉय आहे, काहीच नाही करू शकत। इंटर्नशिप प्रोजेक्टवर जर नाही केला आणि गावामध्ये सर अशी माझी परिस्थिती आहे आता की इंटरनेटची सुविधा अजिबात उपलब्ध नाही। सर, लायब्ररीचा तर नावच सोडा। सर, वसतिगृहा थ्रू आम्हाला पुस्तकं मिळतात, लायब्ररी मिळते, स्टेशनरीचा खर्च मिळतो। सर, 1.5 वर्षात त्यांनी हा तरी आम्हाला प्रोव्हाइड करायला पाहिजे होता, त्यांनी आम्हाला एकही निधी नाही केला। जसे काय आम्ही त्यांच्या दूरचे आहोत, आम्हाला एकदम दुर्लक्षित केलं आहे। सर, कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।